मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज संजू शर्मा। नवभारती पीटी कॉलेज में आपका स्वागत है। मेरा टॉपिक जो स्टार्ट था वह है ज्ञान के कार्य। मैंने कल आपको बताया था कि ज्ञान के कार्य का विभाजन चार कार्यों में किया गया है। प्रथम है व्यक्तिक संबंधी, सेकंड है समाज संबंधी, थर्ड है राष्ट्र संबंधी, फोर्थ है व्यावसायिक संबंधी और एक अन्य है वातावरण संबंधी। व्यक्ति संबंधी के ज्ञान के कार्य के बारे में मैंने आपको कल बताया था। उसमें ज्ञान के कार्य यानी व्यक्ति संबंधी यानी व्यक्ति के श्रम से संबंधित, क्योंकि ज्ञान में सर्वप्रथम व्यक्ति का समाहित होना सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है। हम जहाँ ज्ञान को शुरू करते हैं तो ज्ञान का ज्ञात ज्ञान देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों ही प्रमुख होते हैं। इसीलिए ज्ञान के कार्य का जब हम सर्वप्रथम विभाजन करेंगे तो व्यक्ति संबंधी कार्य सर्वप्रथम उसमें अनिवार्य होंगे। हम देखेंगे व्यक्ति संबंधी में कार्य कौन कौन से होंगे, अर्थात व्यक्ति से संबंधित, यानी कि सबसे पहले हम देखें तो व्यक्ति का श्रम का व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तित्व संबंधी कार्य जिसमें व्यक्ति खुद अपना श्रम का परिचय किस तरीके से देता है वो उसमें समाहित होता है। कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेस इज द लास्ट इम्प्रेस। व्यक्ति के श्रम का जो इम्प्रेस होता है, बोलने का तरीका, भाषा शैली, उसके चरित्र, ये सारा व्यक्तित्व के संबंधी में आता है। सेकंड था इसमें हमने जो किया था कि व्यक्ति अपना जो होता है इसमें भावी जीवन तैयार, ज्ञान से अपना भावी जीवन तैयार करता है कि उसको आगे क्या करना है, जिस चीज की वो नॉलेज लेना चाहता है वो उस चीज की नॉलेज लेता है और उसी के आधार पर वो अपना भावी जीवन तय करता है। तीसरा था उसमें मानवीय संबंध, यानी कि व्यक्ति में श्रम में एक मानवीय गुण, यानी व्यक्ति का स्वाभाविक होता है मानवीय गुण जो कि उसमें समाहित होता है। मानवीय गुण में हम देखें दया, परोपकार, ये हमारे खुद के मनुष्यता की निशानी है कि हम किस तरीके से दूसरों की हेल्प करते हैं। इसी में आप सेकंड पॉइंट जो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ वो है समाज संबंधी। अर्थात व्यक्ति का संबंध किससे होता है, जब व्यक्ति स्वयं अकेला होता है तो परिवार से, परिवार के बाद में समाज से। कहते हैं कि समाज और परिवार दोनों अपने एक व्यक्ति से मिलकर या व्यक्तियों के समूह से मिलकर समाज की स्थापना होती है। ज्ञान में हम देखेंगे सबसे पहले व्यक्ति संबंधी, सेकंड है समाज संबंधी, जिसे हम कहते हैं कि समाज से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, समाज से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और समाज का छोटा रूप ही हमारा विद्यालय होता है, समाज का लघु रूप हमारा विद्यालय होता है जहाँ से हम अपने ज्ञान की शुरुआत करते हैं। प्रथम पाठशाला हमारा परिवार और समाज और द्वितीय जो होता है वो हमारा विद्यालय, अर्थात हमारे समाज, हमारे विद्यालय हमारे समाज की छोटी इकाई, लघु इकाई होती है। इसी में समाज से संबंधित अनेक कार्य हम करते हैं, उनका विभाजन इस तरीके से किया गया है। फर्स्ट है सामाजिक नियम। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के कुछ नियम होते हैं और वो नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं, उनके नियम हमारे ही समाज में रहने वाले अनुभवी और योग्यताशाली व्यक्तियों के द्वारा उनका निर्धारण किया जाता है और उन्हीं नियमों को हम फॉलो करते हैं। अर्थात समाज में एक नियम होता है, वो नियम उन अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा होता है और वो अनुभव उन व्यक्तियों को कहाँ से प्राप्त होता है, ज्ञान से। अर्थात अनुभव ही ज्ञान है और उन्हीं ज्ञान को हम फॉलो करते हैं और उस समाज में हम उन चीजों को निभाते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं समाज में बड़े बड़े महापुरुष हुए, महाज्ञानी हुए, हमने उनकी संज्ञा क्यों दी उनको महापुरुष और महाज्ञानी की, क्योंकि वो ज्ञानी थे, उन्होंने वो ज्ञान पूरा ज्ञान ग्रहण किया होता जिससे कि वो नियम बना सके और तभी हम उन नियमों को मानने लगे। तो कहते हैं सामाजिक नियम बनाने के लिए व्यक्ति को स्वयं को अनुभवी, ज्ञानी और योग्यताशाली होना चाहिए, इसीलिए ज्ञान का उसमें समावेश होता है। ज्ञान के बिना व्यक्ति सामाजिक नियम नहीं बना सकते, इसीलिए ज्ञान की इसमें अहम भूमिका होती है।
सेकंड पॉइंट है हमारा प्राचीन साहित्य। प्राचीन साहित्य हमने देखा है कि जब भी हमें ज्ञान ग्रहण करने की बारी आती है, जब भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं तो हम अपने प्राचीन साहित्यों को पढ़ने लग जाते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनमें वो ज्ञान समाहित होता है जो हम लेना चाहते हैं। जो ज्ञान हम लेना चाहते हैं उस साहित्यों में वो वहां पर विद्यमान होता है और उन्हीं के द्वारा हम उन्हें ग्रहण करते हैं। पहले जहाँ प्रत्येक व्यक्ति विद्यालय नहीं पहुंच पाता था या ऐसी जगह जहाँ ज्ञान प्राप्त किया जाए, लेकिन यहाँ वो प्राचीन साहित्य को पढ़कर अपना ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। आज भी हम अगर हमें किसी चीज के बारे में जानकारी, हमारे ग्रंथों के बारे में जानकारी लेते हैं या हम किसी महापुरुष के, तो हम हमारे साहित्यों के पन्ने पलटने लगने शुरू कर देते हैं और हम उन साहित्यों को पढ़ने लगते हैं। तो कहा जाता है कि ज्ञान है वो साहित्य की देन है। ज्ञान का पूरा समावेश साहित्यों में मिलता है और हम उनको ग्रहण करते हैं। यह प्राचीन साहित्य, जैसे हम देखें कि हमारे जहाँ रामायण, जहाँ हमारे जो चीजें हो चुकी, आज हमने देखा है कि अगर हम किसी व्यक्ति को राम के बारे में बताना चाहें तो हम कहेंगे उसे कि हम कहेंगे कि आप रामायण पढ़ो, रामायण देखो कि देखो उसने कितने राम के क्या चरित्र का वर्णन किया है, राम किस तरीके के व्यक्ति थे कि उसको हम अपना आदर्श बनाएं, उसे अपने जीवन में उतारें। तो ये सभी चीजें हमें एक साहित्य में प्रदर्शित होते हैं और साहित्य में हम उन्हें पढ़ने की इच्छा रखते हैं। जब भी हमारे मन में जो इच्छा जागृत होती है हम उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त संबंधी। कहते हैं अगर ज्ञान ना हो तो दिया जो रोशनी अपनी चारों तरफ फैलाता है वो भी हमें अंधकार लगने लगती है। कहते हैं कि दिया जो दीपक होता है अपने नीचे तो अंधेरा रखता है लेकिन चारों तरफ वो अपना प्रकाश फैलाता है। अर्थात ज्ञान ऐसा है जो हमें स्वयं को, अपने खुद को अंधेरे में डालकर हमें प्रकाशमान करता है। तो सामाजिक कुरीतियों, जिनको की कुरीतियों में जो हमारे समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उन्हें हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, ये हमें ज्ञान ही देता है और ये ज्ञान की ही देन है कि हम अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कैसे करते हैं। जैसे कि हमने देखा है प्राचीन काल में जहाँ हमारी पर्दा प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, इन्हीं सभी का खंडन अगर किसी ने किया है, किसी महापुरुष ने किया है, किसी व्यक्ति ने किया, तो क्यों किया? क्योंकि उन्हें उनके ज्ञान का, उसका प्रतिफल पता था कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए उन्होंने उस चीज की, उसको दूर करने की आवाज उठाई, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की कोशिश की। और आज जहां तक हम देखें हमारे समाज में जहां तक है ये कुरीतियां समाप्त तो होने की कगार पर है और ये हमें आज दूर भी होनी चाहिए। लेकिन इन्हें हम दूर कब कर सकते हैं? जब हम इनके परिणामों से वाकिफ हो, हमें परिणाम पता हो कि इसके परिणाम हमारे क्या हैं, हम किस तरीके से इन्हें दूर कर सकते हैं। तो ये है हमारी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त संबंधी, यानी कि हमारे समाज में जो भी बुराइयां व्याप्त हैं उन्हें दूर हम ज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा समाज सुधार। समाज सुधार, जैसे हमने देखा है हमारे समाज में जो आज हमारे रहन सहन का ढंग है वो हमारे जो प्राचीन काल में था, प्राचीन काल में और आज के युग में जो हमारे जीवन जीने का तरीका है उसमें हमारे एक अंतर आया है। और वो अंतर क्यों आया है? इस ज्ञान के कारण, इसी ज्ञान के कारण हमने हमारे रहन सहन का तरीका बदला है। क्योंकि जहां हमें पहले जिन चीजों की फैसिलिटीज नहीं थी लेकिन आज के टाइम पे हमें ये सब चीजें मिल रही है, तो ये किसकी देन है? इसी समाज की। जब जब हमारे समाज ने आगे विकास किया है, ज्ञान अर्जित किया है, नई नई चीजों का आविष्कार किया है और उन चीजों का हमने हमारे जीवन में उपयोग किया है, तो यही कहा गया कि समाज सुधार, नहीं समाज के विकास में सुधार हमने ज्ञान के माध्यम से किया है। विभिन्न विभिन्न तकनीकियों का हमने जो आविष्कार किया है वो ज्ञान के कारण किया है। पांचवा पॉइंट है हमारा धर्म के उदार दृष्टिकोण। धर्म के उदार दृष्टिकोण, अर्थात उदार मीन्स सकारात्मक दृष्टिकोण, एक अच्छा दृष्टिकोण। हमने देखा पहले जब हम नहीं मानते थे इस चीज को, या हम कहें कि हम अनभिज्ञ थे, अज्ञानी थे, अशिक्षित थे, तब हमने कभी भी धर्म का पालन, यानी कि हमने एक धर्म की दीवार खींची थी और उसी धर्म के कारण हमारा पूरा समाज बटा हुआ था। लेकिन आज जब हम समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, या यूं कहें कि हमने ज्ञान अर्जित किया है कि हमारा धर्म होता है सर्वोपरि,
कि मनुष्य की रक्षा सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा धर्म है कि मनुष्य की हमें सहायता करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अर्थात हमें धर्म के आधार पर विभाजन नहीं करना चाहिए। जहां प्राचीन काल में हमारे एक धर्म की एक खाई थी कि हमें किस तरीके से प्रत्येक धर्म में अलग अलग होते, और इसी कारण हमारे देश में एक कलह की भावना व्याप्त कि हम किस तरीके से धर्मों में अलग अलग धर्मों में बटे हुए थे। लेकिन आज जब हम इन सब चीजों को जानने लगे हैं, हमने देखा है कि किस धर्म का इन धर्मों में बटे हुए रहने का क्या परिणाम होगा, तो इन परिणामों को दूर करने के लिए हमने वो धर्म की जो खाई है उसे हटा दी। तो ये चीज है हमारे धर्म के उदार दृष्टिकोण। हमारा जो धर्म के प्रति पहले नकारात्मक दृष्टिकोण था, हमने उसको सकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तित किया। आज हम प्रत्येक धर्म का सम्मान करते हैं और सभी धर्म के लोगों को हम समान समझते हैं। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये ज्ञान की ही देन है। हम समझने लगे हैं कि ज्ञान से हम किस तरीके से धर्मों का विभाजन हमारे लिए हानिकारक है। तो लास्ट पॉइंट हमारा वो है सामाजिक व्यवस्था संबंधी। पहला था हमारा समाज संबंधी, जो समाज संबंधी में था हमारा सबसे पहला सामाजिक नियम। सेकंड था हमारा प्राचीन साहित्य। थर्ड था सामाजिक कुरीतियों को समाप्त संबंधी। फोर्थ था हमारा समाज सुधार। पांचवा था धर्म के उदार दृष्टिकोण। और पांचवा है हमारा सामाजिक व्यवस्था। हमने देखा है हमारी सामाजिक व्यवस्था, जो बहुत प्राचीन काल में हमारी सामाजिक व्यवस्था थी, वो एक अज्ञानता के कारण हमारा एक धर्म कहते हैं एक वर्ण में विभाजित था। हमने अपने समाज में एक वर्ण व्यवस्था लागू करी हुई थी, एक वर्ण व्यवस्था हमने बनाई हुई थी। हमने उसको चार वर्गों में विभाजित कर रखा था, क्षत्रिय शूद्र ब्राह्मण, इस तरीके से हमने एक अलग ही हमारा एक विभाजन किया हुआ था। लेकिन आज हमारे समय इस समय हमारा ऐसा कोई भी वर्ण नहीं है, क्योंकि हमने ये चीज जान ली और समझ ली कि अगर हम इस वर्ण व्यवस्था पर हम चलते रहे तो हमारे देश का विभाजन या हमारे देश का विनाश संभव है। जिस तरीके से हमने देखा कि अंग्रेजों ने हमारे देश में आकर एक वर्ण व्यवस्था भी लागू की, साथ में रंगभेद नीति, उन्होंने एक रंगभेद नीति अपनाई जिसमें हमारे काले और गोरों का विभाजन किया, कालों को अलग और गोरों को अलग। उसी से ही हमारे देश में एक आंतरिक कलह पैदा हुआ और हम उन देश का, क्योंकि वो चीज उन्होंने प्रत्येक व्यक्तियों में, समाज में, मनुष्य में आपस में रंगभेद नीति का उन्होंने इस तरीके से प्रसार कर दिया कि लोग आपस में एक दूसरे से अलग अलग रहने लगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम बनकर रह गया। तो उसी चीज का हमने ज्ञान देखा, संबंध जोड़े कि हमने जब एक रंगभेद नीति ने हमें इतनी चीजों से हमें दूसरे अंग्रेजों का दूसरे देश के हम गुलाम बन गए, तो फिर हम अगर आज हम खुद स्वयं एक अलग अलग विभाजन में रहेंगे तो हम किस तरीके से बढ़ सकते हैं, किस तरीके से दूसरे देश हमारे देश का फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए कहा है सामाजिक व्यवस्था जो प्राचीन काल में थी, वर्ण व्यवस्था या रंगभेद, उसे खत्म कर दी जाए। और ये सब चीजें ही हमें हमारे ज्ञान के प्रति, ये ज्ञान ही है जो हमें इस चीज के प्रति सजग पैदा करता है कि किस तरीके से हम इसे दूर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा राष्ट्र संबंधी। जब व्यक्ति प्रथम कार्य में हम देखेंगे, कार्यों में सबसे पहले व्यक्ति का समूह का कार्य होगा, फिर समाज से संबंधित होगा, और समाज और व्यक्ति मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं, यानी राष्ट्र संबंधी। अब व्यक्ति का राष्ट्र के संबंधी कार्य होगा। कहा जाता है कि आने वाले, चाहे हम देखें तो राष्ट्र संबंधी राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। शिक्षक को भावी राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। तो शिक्षक तो स्वयं ज्ञान बांटने वाला होता है। तो कहते हैं यही ज्ञान है जो जिस तरह से हम अपने राष्ट्र का विकास किस तरीके से कर सकते हैं, उन राष्ट्र के संबंधी हमारे क्या क्या हमारे कार्य है, कौन कौन से हमारे राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य है, ये सब बताया गया है। तो फर्स्ट राष्ट्र संबंधी है हमारा फर्स्ट पॉइंट भावात्मक एकता। राष्ट्र संबंधी कार्य में हम देखें तो ज्ञान हमें सबसे पहले भावात्मक एकता से जोड़ता है। ज्ञान ही हमें एक दूसरे से भावों से जोड़ता है। जब हम प्रथम बार हम विद्यालय में आते हैं तो शिक्षक अपने विद्यार्थियों से जुड़ जाते हैं। वो क्यों जुड़ते हैं? वो अपने एक भावात्मक एकता के कारण।
उनके भाग होते हैं गुरु और शिष्य के। अगर हम देखें कि स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अपने सहपाठियों से, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये हमारे क्लासमेट है, ये हमारे महाविद्यालय में या हमारी क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो हमारे भाव जागृत हो जाते हैं उससे, हमारे भावात्मक एकता होती है। यानी हम विद्यालय में समूह में जो हम बैठते हैं, ज्ञान हमें एक तरह से समूह में बिठाता है। यहाँ पर जब विद्यालय हमारा, यहाँ पर एक स्टूडेंट जब एक साथ हम यहाँ बैठते हैं, तो उस समूह की भावना जागृत होती है और हमारे अंदर एक भावात्मक एकता का जागरण होता है, एक साथ रहने का भाव जागृत होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा नागरिकता का विकास। नागरिकता का विकास, जिस राष्ट्र में व्यक्ति रहता है वो उसी देश का नागरिक कहलाता है। और जब नागरिकता का खुद समूह अपना विकास करेंगे, तो राष्ट्र का विकास होता चला जाएगा। अर्थात नागरिकता का विकास करने के लिए ज्ञान इसीलिए अनिवार्य है कि प्रत्येक नागरिक को ज्ञान इस तरीके से सिखाता है कि वो सदाचारी बने, अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदार बने, उसके राष्ट्र के प्रति जो उसके मौलिक कर्तव्य उनको निभाए, और जिससे क्या होता है कि वो अपने देश को आगे बढ़ाता है। एक तरीके से हम देखें हमारे देश में जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो त्योहार हैं, हम जो संस्कृति अपनाते हैं, वो हमारे विदेशों तक जानी जाती है कि भारतीय संस्कृति इस तरीके से। तो क्यों पहचानी जाती है ये? हम नागरिकों की वजह से, हम नागरिक इस देश में रहने वाले, और जो हमारी नागरिकता का सर्वप्रथम कर्तव्य है वो होता है हमारा मतदान का अधिकार, कि हमें किस तरीके से हमारे देश का शासक चुनना है। तो अगर हम स्वयं नागरिक व्यक्ति अगर स्वयं शिक्षित होंगे, ज्ञानी होंगे, तो हम अपने चीज का सही फैसला लेंगे और उसी के आधार पर हम अपने देश का निर्माण कर सकेंगे, हमारे देश को आगे बढ़ा सकेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास, जैसे जैसे देश में नई नई चीजों का, नई नई जो तकनीकी आस्पेक्ट है, ज्ञान किस में प्रसारित हो रहा है? हमारे तकनीकी के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में हम ज्ञान का प्रसारण देखेंगे। जब हमारे आज के टाइम पे तकनीकी क्षेत्र में प्रसारण हो रहा है, तो इससे क्या बेनिफिट हो रहा है? इससे बेनिफिट हमारे देश का विकास हो रहा है। हम जिस तकनीकी से आगे बढ़ रहे हैं, जिन जिन तकनीकों का हम प्रयोग करते हैं, हमने देखा है हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आदि बने हैं, स्टूडेंट बनते हैं। तो वो क्यों बनते हैं? क्योंकि हम उस चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस चीज के ज्ञान प्राप्त करके वो हमारे राष्ट्र का विकास करते हैं। इसी ज्ञान के कारण हमारे देश का विकास होता चला जाता है। सेकंड फोर्थ है हमारा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति मैं कहूँ कि स्टूडेंट, एक विद्यार्थी अपने, एक या एक व्यक्ति अपने कंप्यूटर का निर्माण करता है या अपनी कंपनी में कंप्यूटर बनाता है। जब वो कंप्यूटर बनता है, बनके तैयार होकर बाजार में जाता है, तो उसका कुछ हिस्सा अपने राष्ट्र के आय के खाते में आता है, वो अपने राष्ट्र के आय का स्रोत बनता है। यानी कि व्यक्ति ने शून्य कमाया है, लेकिन उसने देश के लिए भी, अपने राष्ट्र के लिए भी कुछ हिस्सा दिया है, तो ये राष्ट्र की आय है। यानी जिस चीज क्षेत्र में वो अपना इनकम करते हैं, अपना जो कार्य किया है उन्होंने, उस क्षेत्र का कुछ अपने जो हिस्सा होता है वो वहां पर डाला जाता है, और उसी के आधार पर जिस चीज का निर्माण किया है उन्होंने, उस चीज के निर्माण से भी हमारे देश का विकास होता है। सिक्स पॉइंट है अधिकार एवं कर्तव्य। अधिकार एवं कर्तव्य संबंधी, अधिकार जो हमें हमारे प्राप्त होते हैं हमारे समाज से, हमारे देश से, हमारे संविधान से। आज हम कहें हमारे पास कौन कौन से अधिकार हैं, हमारे देखे जाए हमारे मौलिक अधिकार हैं। हमारे संविधान ने हमारे एक तरीके से मौलिक अधिकारों का अलग से वर्णन किया हो कि हमारे क्या क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं। हमारे अधिकार में हम देखें, हमारा सबसे पहला अधिकार हमारा मतदान का अधिकार, जो कि हमसे 18 वर्ष की आयु के बाद से हमारा ये अधिकार हमारा शुरू हो जाता है, और हम इसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं कि हमें कितने, हमें हमारे अधिकार का जो पालन करनी है, हमारे उसका पालन करेंगे हम, कि हम जो मतदान कर रहे हैं वो हमारे सही दिशा में कर रहे हैं, सही व्यक्तियों का चयन कर रहे हैं या नहीं। और कुछ हमारे समाज से भी हमारे कर्तव्य होते हैं, राष्ट्र के प्रति भी हमारे कर्तव्य होते हैं कि हमें हमारे राष्ट्र की किस तरीके से हमारी सुरक्षा करनी है। तो इन सब चीजों का जो हमें ज्ञान होता है, वो इस ज्ञान के माध्यम से होता है, जब ही हम इन अधिकारों के कर्तव्यों के पूरा कर सकते हैं। इसे हम देखें पॉइंट सार्वजनिक हित। सार्वजनिक हित, सार्वजनिक अर्थात सभी जनों की भलाई। हम ऐसा कार्य करें, कहा जाता है राष्ट्र में ऐसा कार्य होना चाहिए,
कार्य ऐसा हो जिसमें सभी की भलाई हो। हमें ऐसे कार्य को करना चाहिए जिसमें सभी का भला हो। हमें जो भी कार्य करे उसमें सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए उस कार्य को करना चाहिए। और ये चीज, इस चीज की नॉलेज या सही इस चीज का ज्ञान, इस चीज का ज्ञान हमें तभी होगा जब हम उस चीज के बारे में समझेंगे कि किस तरह से हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें राष्ट्र का भी और हमारे साथ में हमारे परिवार का, हमारे देश का, हमारे समाज का हित है। अर्थात हमें वो कार्य करना चाहिए जिसमें सभी की भलाई हो। एक पॉइंट है हमारा इसमें राष्ट्रीय एकता विकास। राष्ट्रीय एकता विकास, हम जिस देश में रहते हैं, कहते ज्ञान का प्रसारण किसके माध्यम से होता है? राष्ट्रीय एकता। बिना ज्ञान के राष्ट्रीय एकता का विकास संभव नहीं होता है। हम सिंपल तौर से आप देखें, जब बच्चा अपने परिवार में रहता है, परिवार से रह के जब वो विद्यालय में आता है, तो विद्यालय में जब वो प्रवेश करता है, हमारे यहाँ जब वो राष्ट्रीय पर्व मनाता है साथ में मिलके, हम अपने अपने जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी, हम अपने झंडे का जो सम्मान करते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, ये सब हमारे क्या करते हैं? राष्ट्रीय एकता में विकास करते हैं। हमारे अंदर वो भावना जागृत होती है कि हम किस तरीके से हमारे राष्ट्र से हम प्रेम करते हैं। अर्थात राष्ट्रीय एकता की भावना बिना ज्ञान के संभव नहीं है। हमें उस चीज का, हम करते हैं सम्मान, मानते हैं, हम प्रेम करते हैं, लेकिन हमें उस चीज का ज्ञान नहीं होता कि जो हम फील करते हैं या महसूस करते हैं वो एक्चुअली में है क्या। तो वो चीज हमें ज्ञान प्रदर्शित करता है और वो हमें किसी ना किसी के माध्यम से मिलता है। जिस तरह से ये ज्ञान हमें हमारे विद्यालय महाविद्यालय से मिलता है, हम यहाँ आते हैं और हम अपने उस चीज का माध्यम कर चुनते हैं और वो कार्य हम करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वातावरण संबंधी, जिसमें हम देखें वातावरण का मतलब आसपास का क्षेत्र। वातावरण से मतलब है हमारा आसपास का वातावरण। प्रथम है हमारा शैक्षिक वातावरण, सेकंड है हमारा प्राकृतिक वातावरण, थर्ड है हमारा वातावरण के प्रति समायोजन। वातावरण के प्रति समायोजन, अब इसमें हम सबसे पहले देखें शैक्षिक वातावरण। शैक्षिक वातावरण में क्या होगा? शैक्षिक वातावरण जहाँ से हम शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा हम किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं? शिक्षक के माध्यम से। और शिक्षक हमें शिक्षा कहाँ देते हैं? विद्यालय में। शिक्षक हमें शिक्षा कहाँ प्रदान करते हैं? विद्यालय में। तो कहते हैं हमारे आसपास के क्षेत्र में जो शिक्षा लागू होती है, जो शिक्षा हमारा शैक्षिक वातावरण, वो शैक्षिक वातावरण हमें हमारे विद्यालय से प्राप्त होता है और वो शिक्षा हमें हमारे शिक्षकों के द्वारा प्राप्त होती है। जहाँ पहले देखें कि पहले के काल में, जब प्राचीन काल में मनुष्य अपना जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर गुरुकुल में जाते थे, और अपना क्यों जाते थे वो दूर दूर अपने घर छोड़ के गुरुकुल में? क्योंकि उन्हें वो शैक्षिक वातावरण चाहिए था कि जहाँ जाकर वो अपनी शिक्षा ग्रहण करें। हम अपने परिवार में रहते हैं, हम घर में रहते हैं, हमें वो वातावरण महसूस नहीं होता, हमें वो वातावरण प्रदान नहीं होता। तो शैक्षिक वातावरण हमें ज्ञान के समीप लाता है। जब शैक्षिक वातावरण हमें मिलेगा तो ज्ञान की प्राप्ति हमें होती चली जाएगी। तो शैक्षिक वातावरण प्रदान करने के लिए शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा के लिए शिक्षक और विद्यालय। तो कहा जाता है कि हमें शैक्षिक वातावरण हमारे चारों तरफ प्रदर्शित करनी चाहिए। उसी शिक्षा के माध्यम से हम अपने देश का निर्माण कर सकते हैं, हमारे देश में होने वाली बुराइयों को भी दूर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्राकृतिक वातावरण, यानी प्रकृति से संबंधित। हमने देखा है हमें यहाँ प्राकृतिक वातावरण यानी प्रकृति से संबंधित कौन सा ज्ञान मिलता है? यहाँ पर विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को हम सिखाते हैं कि हमारे कौन कौन से संसाधन हैं, हमें किस तरीके से उन संसाधनों का प्रयोग करना है, कितना हमें प्रयोग करना है। आज हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर जो भी संसाधन हमें प्राप्त है उनका किस तरीके से हमें प्रयोग करना है, ये प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत आता है। यानी प्रकृति के द्वारा दिए हुए संसाधन जिनका हमें किस तरह से प्रयोग करना है, कितना करना है। क्योंकि देखा है कि अगर हमारे जैसे जैसे आज के टाइम पे हमने देखा है कि प्राकृतिक वातावरण जितने हमारे संसाधन है वो हमारे कम पड़ने लगे। क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या में वृद्धि होने लगी है। जब जनसंख्या में वृद्धि, तो यही कारण है हमें ये चीज
सिखानी पड़ती है कि हमें किस तरीके से यहाँ पर वो ज्ञान दिया जाता है कि इन संसाधनों का हम किस तरीके से प्रयोग करें, कितना प्रयोग करें, अगर ये हमें इन्हें किस तरीके से हम इन्हें संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, इन्हें हम आगे किस तरह से बढ़ा सकते हैं या इनके बचाने के क्या क्या उपाय है, ये सब प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है वातावरण के प्रति समायोजन। वातावरण के प्रति समायोजन, ज्ञान ऐसा होता है जो हमें समायोजन करना सिखाता है। हमें वातावरण अच्छा भी मिल सकता है, हमें वातावरण बुरा भी मिल सकता है, लेकिन हमें उसमें किस तरीके से समायोजन करना है, किस तरह से हमें एडजस्टमेंट बिठाना है, ये हमें हमें वातावरण बताता है। हम कहते हैं परिस्थिति, तो परिस्थिति भी हमारे पास वातावरण के द्वारा ही आती है हमारे सामने। वो परिस्थितियां जब हमारे सामने आती है हम उन्हें किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, ये समायोजन करना, और ये समायोजन करना हमें कौन सिखाता है? ज्ञान। हम किस तरह से उसको प्रयोग में करेंगे, किस तरह से हम उन्हें संतुलन बिठाएंगे। हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट घर पर रहता है, परिवार में रहता है, और एकदम से जब वो विद्यालय में प्रवेश करता है, तो उसे यहाँ पर अपने परिवार के सदस्य न मिलकर विभिन्न विभिन्न नेचर के या विभिन्न जो अपने अलग अलग वर्ग के हमारे सभी समाज के यहाँ पर एक साथ हम सभी स्टूडेंट्स रहते हैं, जब यहाँ पर शिक्षक होते हैं तो उन्हें यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है कि किस तरह से उन्हें समायोजन करना है। लेकिन वो उस ज्ञान से, जब चाहे वो गुरु का ज्ञान हो या अपने क्लासमेट का, जब उसे वो ज्ञान मिलता चला जाता है तो वो अपने आप स्वतः ही उसमें समायोजन बिठाना शुरू करता है और वो अपने विद्यालय में एडजस्ट हो जाता है। एक है हमारा व्यावसायिक संबंधी, लास्ट हमारा पॉइंट है व्यावसायिक संबंधी। व्यावसायिक संबंधी, इसमें हम व्यवसाय यानी जो व्यवसाय से संबंधित हो, फर्स्ट है रोजगार के लिए, यानी व्यवसाय से हमें रोजगार की प्राप्ति होती है। हम किसी व्यवसाय के क्षेत्र में हम अपने रोजगार का चयन करते हैं कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, और यही रोजगार हमारे जीविकोपार्जन का साधन बढ़ता है, जीविकोपार्जन का साधन बनता है। यानी कि हमें किस तरीके से हमारे जीवन का यापन करना है ये हमें सिखाता है, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा या ज्ञान कहीं ना कहीं हमें ऐसा भी लेना चाहिए जो कि हमारे जीवन में, हमारे जीवन किस तरीके से हमें जीवन स्तर चलाना है, या कहा जाए तो जीवन यापन हम किस तरीके से करें, क्योंकि ज्ञान हमें वो भी मिलता है जिससे हम बिना ज्ञान के हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, ना हम उससे कुछ अपना रोजगार चुन सकते हैं, और रोजगार के बिना हम हमारा जीवन यापन नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे ज्ञान के कार्य थे, फर्स्ट था हमारा व्यक्ति संबंधी, सेकंड था हमारा समाज संबंधी, थर्ड था हमारा राष्ट्र संबंधी, फोर्थ था हमारा वातावरण संबंधी और व्यवसाय संबंधी। तो ये सभी हमारे ज्ञान के कार्य थे, और इन्हीं ज्ञान के कार्यों का हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, और इन्हीं के द्वारा हम अपने कार्य करते हुए चले जाते हैं। आगे की नेक्स्ट जो वीडियो